लेकिन विवेक, सभी के मन में सवाल है कि जो पूछताछ आपने कहा कि रात को रिमांड पर ले लिया और उससे पहले भी लगातार पूछताछ की जा रही है, परिवार के लोगों से भी पूछताछ हुई है, तो उसमें सबसे बड़ी बात निकल कर क्या सामने आई है और कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि मानसिक रूप से कोई विक्षिप्तता नहीं है, ये कोई मानसिक बीमारी वाली बात नहीं है, बल्कि ये कट्टरपंथ की ओर मुड़ गए, उसकी तरफ झुक गए, एक व्यक्ति का ही किया गया ये अपराध है। देखिए राजेन, चूंकि इस पूरे मामले की जांच स्पेशलाइज एजेंसियां कर रही हैं, एटीएस और एसटीएफ इस ऐसे मामलों की जांच में स्पेशलाइज्ड हैं, उनको विशेषज्ञता हासिल है और वो हर पहलू पे जांच करते हैं। वो सिर्फ अपराध की विवेचना नहीं करते, अपराध की मीमांसा नहीं करते हैं, वो अपराध के साथ साथ उस अपराधी का भी विश्लेषण करते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। यानी जो स्पेशल एजेंसियाँ हैं उनके स्पेशल काम होते हैं। अगर जिला पुलिस की बात हम करते, जिला पुलिस के पास मुर्तजा होता और जिला पुलिस इस मामले की जाँच कर रही होती, तब बात अलग थी। वो एक जो उनके पास समय भी नहीं होता है, उनके पास विवेचना के संसाधन भी बहुत कम होते हैं, तो एक साधारण सी जो इसीरियो टाइप विवेचना होती है, जांच होती है, वो करते हैं। लेकिन अब चूंकि मामला ये नेपाल से जुड़ गया है, भारत के तमाम जो प्रदेश हैं उनसे जुड़ा हुआ है, आतंकियों की आशंका है, आतंकी संगठन का हाथ होने की आशंका है, तो बहुत स्पेशलाइज्ड विवेचना हो रही है। ऐसे में उसके जो दिमाग है उसको पढ़ने के लिए, उसका जो व्यवहार है उसकी समीक्षा करने के लिए मानसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया था। जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो कई विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी रीड करते हैं, ऐसे तमाम विशेषज्ञ बुलाए गए थे कल रात में। और उन्होंने बैठ कर मुर्तजा से कमरे में अलग अलग, हर जो पढ़ाते हैं उनकी अलग बात है, जो इलाज करते हैं साइकोलॉजिस्ट उनकी अलग बात होती है, तो हर तरह के साइकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने अलग अलग बात की है, उससे जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या व्यवहार है, क्या वो चाहता था इस तरह का हमला। अगर उनके जैसे परिवार वाले कह रहे हैं कि वो चाहता था कि मैं मर जाऊं, कोई मुझे मार दे, कोई मुझे गोली मार दे, या मैं किसी के सामने साइकिल लेकर, कुछ दिनों पहले ही परिवार वालों ने उसको एक साइकिल खरीद कर दी थी, बार बार कहता था, जैसा उसके पिता का कहना है कि वो बार बार कहता था कि मैं साइकिल किसी कार के आगे टक्कर मार दूं और कार वाला मुझे कुचल दे। ये अजीब सी मानसिकता उसकी पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मानसिकता इस वजह से, चूंकि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं उनके लिए कानून में एक प्रावधान होता है कि उनको काफ़ी सुविधाएँ दी जाती हैं, उनको सामान्य जेल में नहीं रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपराध भी करता है तो उसको जेल में नहीं रखते हैं, उसको पागल खाने में रखते हैं, ऐसे अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, वहाँ उसको रखा जाता है, वहाँ उसकी देखभाल की जाती है। ऐसा साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था कि मैं हमला करूंगा और लोगों को मारूंगा, खून बहाऊंगा, रक्तपात करूंगा और उसके बाद मानसिक रोगी होकर मुझे कानून से छुटकारा मिल जाएगा, तो ये संभावना भी खत्म हो गई।